नेक्स्ट क्वेश्चन 2007 का सवाल है क्वेश्चन से इज अ वर्टिकल स्प्रिंग विद फोर्स कांस्टेंट के इज फिक्स्ड ऑन अ टेबल अ बॉल ऑफ मास एम एच अबाउट द फ्री अपर एंड ऑफ इट अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग फॉल्स वर्टिकली ऑन द स्प्रिंग सो दैट द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय अ डिस्टेंस डी सवाल ये नेट वर्क डन इन द प्रोसेस क्या होएगा ये हमें बताना है कि कितना टोटल नेटवर्क डन यहाँ पे हुआ है सिंपल uh, सवाल है वर्क एन थ्योरम की जो अपनी वर्क वर्क एनर्जी थ्योरम होती उसकी है उसकी एप्लीकेशन है सिचुएशन इस प्रकार है कि यह आपकी टेबल है और उसके ऊपर एक स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ है और इस स्प्रिंग से ऊपर uh, यहाँ से एच हाइट से एक बॉल गिरी बॉल यहाँ पे आके गिरी उसके बाद जो आपका स्प्रिंग है वो डी हाइट दब गया तो आपका स्प्रिंग इस आ, स्टेज तक पहुंच गया सवाल यह कि डन क्या होएगा तो नेटवर्क बड़ा सिंपल है यहाँ पे आप लिख सकते हैं वर्क डन जो नेट आएगा आ, वर्क डन नेट उसको हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो हुआ है जिस जिस फोर्स की वजह से नीचे आए और माइनस उसमें कर सकते हैं स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन बिकॉज स्प्रिंग फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगाए तो डन हम इसको लिख सकते हैं कि वर्कडन बाई एम जी माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग या प्लस लिखेंगे स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन वे नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा है ना ये आपका नेट वर्क डन होएगा सो वर्क डन जो आपका एम जी लिखेंगे उसे हम लिखेंगे एम जी एच एच जो है कि, कि बॉल ने कितनी हाइट ट्रैवल की है तो हाइट जो बॉल ने ट्रैवल की है वो है एच प्लस डी बिकॉज यहाँ से यहाँ तक हाइट एच और उसके बाद डी आपका स्प्रिंग दबा है तो पोटेंशियल एनर्जी में इतना चेंज आया है आपका और प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ के डी स्क्वायर और ये माइनस साइन के साथ होएगा बिकॉज डायरेक्शन इसके अपोजिट है सो so अपना जो नेट वर्क डन आ गया वो हो गया एम जी एच प्लस डी माइनस हाफ के डी स्क्वायर सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर